हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं अपने व्यूअर्स को एक झूमर बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने येलो और रेड कलर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का कॉर्ड्स है वो मैंने लिया है 24 कॉर्ड्स, और यहाँ पे ये जो रेड कलर का है कॉर्ड्स वो मैंने लिया है 8 कॉर्ड्स। और मैंने यहाँ पे कुछ देखिए रिंग्स लिया है और लाइटर सीजर और यहाँ पे कुछ बीट्स। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कॉर्ड्स 3 मीटर में कट किया है। तो देखते हैं आगे, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं कि छोटा होने से ख़राब नहीं हो जाएगा, तो हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने रिंग, यहाँ पे आपको 4 यूज़ करना है, तो 4 यहाँ पे रिंग लगेगा। और इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 8 कॉर्ड है, 8 कॉर्ड को फ्रेंड्स यहाँ पे लेकर एक्स्ट्रा आपको और 1 यहाँ पे 1 मीटर का कॉर्ड लेना है, और इसके साथ इसको जोड़ देना है और ऐसे करके इसको फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, ये जो 8 कॉर्ड है इसको फोल्ड करने के बाद मिडिल में ये करना है। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है सेम कलर का कॉर्ड लेके। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉर्ड था इसको ज्वाइन कर लेना है और फिर से इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे लाइटर की मदद से इसको स्टिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको स्टिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टोटल जो कॉर्ड है उससे आपको कोई भी 4 कॉर्ड इस तरह से लेना है और इस तरह से सिंपल सा स्क्वायर नॉट लगाना है। तो मैं फ्रेंड्स इसको सेम साइड पे ही नॉट लगाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 15 टाइम सेम साइड पे नॉट लगाया है। और फ्रेंड्स, ये जो बीच में 2 कॉर्ड है इसमें मैं 1 क्रिस्टल यहाँ पे लगाऊंगी, और यहाँ पे सेम प्रोसेस से मैं और 10 टाइम यहाँ पे ऐसे स्क्वायर नॉट लगाऊंगी। टू थ्री ऐसे करके फ्रेंड्स 10 टाइम को यहाँ पे लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 10 टाइम ऐसे नॉट लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 16 कॉर्ड था तो 4 से मैंने ये बनाया है, तो आपको टोटल ऐसे ही और 3 बनाना है, तो टोटल 4 हो जाएगा। 16 कॉर्ड है तो 4 4 करके सेम यहाँ पे पहले फ्रेंड्स 15 नॉट लगाना है, फिर 1 बीट और फिर इस तरह से 10 नॉट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम प्रोसेस से यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ 4 मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सेम साइड से मैं यहाँ पे नॉट लगा रही हूँ। ऊपर मैंने 15 नॉट लगाया था और यहाँ पे मैं 10 यहाँ पे लगाऊंगी, तो ये सेम बराबर आ जाएगा। उसके बाद इसमें रिंग को अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें रिंग को अटैच करूंगी। तो इसके अंदर से जो है, रिंग के अंदर से कॉर्ड्स को इस तरफ ऐसे करके इसको लेना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 4 4 करके यहाँ पे जो कॉर्ड है इसको अटैच करना है इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से इसमें कॉर्ड को अटैच करना है।
इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, वन जो है वो अटैच हो गया है। अब फोर को इसमें अटैच करना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अटैच करने के बाद बीच बीच में जो गैप आया है उस पे मैं थ्री थ्री करके यहाँ पे येलो कॉट को अटैच करूँगी। तो येलो कॉट को फ्रेंड्स पहले मिडिल में लाना है और यहाँ पे जो बीच बीच में जो यहाँ पे गैप्स है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसको अटैच करूंगी। सिक्स कॉर्ड यहाँ पे अटैच करना है तो यहाँ पे थ्री नॉट बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड्स को पहले मिडिल में लाना है और इस तरह से इसको अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टू हो गया है। इसी तरह से सिक्स कॉर्ड को यहाँ पे अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्स कॉर्ड को अटैच करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर कॉर्ड लेके नॉट लगाना है। तो इसके बीच में यहाँ पे जो टू कॉर्ड है इसके बीच में वन करके यहाँ पे क्रिस्टल लगाना है और सिंपल सा यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा देना है बस। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, नॉट लग गया है। तो ये जो फोर कॉर्ड है इसके जो बीच में टू कॉर्ड है इसके बीच में मैं यहाँ पे बीट डाल के यहाँ पे फिर से इस तरह से स्क्वायर नॉट लगा दूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे थ्री जो है यहाँ पे नॉट लग गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब साइड से यहाँ पे टू और इस साइड से टू कॉर्ड को छोड़ देना है। तो आ गया है यहाँ पे एट कॉर्ड्स। तो यहाँ पे फोर फोर करके यहाँ पे डिवाइड कर देना है और यहाँ पे बीच में जो टू कॉर्ड्स है इसके बीच में क्रिस्टल लगा के नॉट लगा देना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सेम प्रोसेस से यहाँ से भी टू कॉर्ड और इस साइड से भी टू कॉर्ड को हटा देना है और यहाँ पे बीच में वन क्रिस्टल अटैच करके फिर से यहाँ पे नॉट लगाना है। तो यहाँ पे टू कॉर्ड के बीच में मैं यहाँ पे क्रिस्टल अटैच करूँगी और यहाँ पे टाइटली एक स्क्वायर नॉट लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, थ्री टू वन ऐसे करके यहाँ पे वन साइड पे यहाँ पे हो गया है और जो यहाँ पे थ्री साइड है इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से फोर साइड पे ही मैंने यहाँ पे सेम किया है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, यहाँ पे जो फोर देखिए रेड कॉर्ड्स है इसके बीच में एक येलो कलर का मैंने क्रिस्टल यहाँ पे अटैच किया है और इसमें मैं सिंपल सा नॉट लगाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉट लगाने के बाद यहाँ पे जो टू कॉर्ड है इसको इस साइड में लेकर यहाँ पे जो सिक्स कॉर्ड है इससे लेकर यहाँ पे पाइपिंग लगेगा इस टू कॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सिक्स जो कॉर्ड है उसके मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगी, सिक्स कॉर्ड से पाइपिंग करूंगी इस तरह से।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6 क्वार्ट्ज से यहाँ पे पाइपिंग लगाया है। अब ये रेड क्वार्ट्ज से फिर से यहाँ पे 6 क्वार्ट्ज से पाइपिंग लगाना है। देखिए फ्रेंड, इस साइड से नॉट लगाने के बाद अब जो ये 2 रेड क्वार्ड बचा है उससे मैं इस साइड पे जो 6 क्वार्ड है इस साइड से अब नॉट लगाऊंगी ऐसे करके। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे 4 था तो 2 क्वार्ड से मैंने यहाँ पे लगाया है पाइपिंग, तो और ये 2 क्वार्ड से इस तरफ लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे करके मैंने यहाँ पे वी शेप दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 क्वार्ड्स एक साथ हुआ है, तो इसके बीच में 1 करके यहाँ पे ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे क्रिस्टल यूज़ करके यहाँ पे नॉट लगा दूंगी। तो 4 में ही आपको ऐसा करना है, यहाँ पे भी क्रिस्टल लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लू कलर का क्रिस्टल यहाँ पे अटैच करने के बाद बीच में जितना कॉर्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 कॉर्ड है, तो इस 12 कॉर्ड को एक साथ राइट हैंड पे 3, लेफ्ट हैंड पे 3 और बीच में रहेगा 6। इससे आपको ऐसे करके स्क्वायर नॉट लगा देना है बीच में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच में नॉट लगाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, तो 3 3 करके डिवाइड करके 6 6 कर लेना है। और यहाँ पे जो ये 2 कॉर्ड आया है उससे इसी शेप में इस तरह से पाइपिंग लगाना है। देखिए इस तरह से 6 कॉर्ड से यहाँ पे पाइपिंग लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 6 कॉर्ड से यहाँ पे नॉट लगाया है। अब ये नंबर ऑफ 2 यहाँ पे लेना है और फिर से सेम प्रोसेस से यहाँ पे पाइपिंग लगाना है। देखिए फ्रेंड, इस साइड से भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 2 रेड कॉर्ड में यहाँ पे जो 6 येलो कॉर्ड है इनको इस तरह से पाइपिंग लगाना है। इसी तरीके से चारों तरफ सेम प्रोसेस से यहाँ पे ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, सब में मैंने सेम प्रोसेस से ऐसा ही किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे 4 रेड कॉर्ड आया है, तो इसके बीच में फ्रेंड्स बीच का जो 2 रेड कॉर्ड है इसके बीच में यहाँ पे क्रिस्टल लगाना है और साइड का 2 कॉर्ड लेके स्क्वायर नॉट लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीड्स लगाने के बाद यहाँ पे मैं 1 और यहाँ पे रिंग का यूज़ करूँगी, तो इस रिंग के अंदर ये जो कॉर्ड है सारे कॉर्ड को निकालना है और यहाँ पे इस रिंग में ये जो सारे कॉर्ड्स है इसको अटैच कर देना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस से ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैंने रेड को पहले अटैच कर लिया है, तो यहाँ पे बीच में जो येलो है वो मैं सेम प्रोसेस से यहाँ पे अटैच कर रही हूँ रिंग में। सारे कॉर्ड्स को आपको यहाँ पे रिंग में अटैच कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, पूरे कॉर्ड्स को ऐसे फंसाने के बाद, देखिए चारों तरफ फंसाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेड कॉर्ड 4 आया है बीच में, तो इसमें मैं यहाँ पे 1 क्रिस्टल यहाँ पे अटैच करूँगी और यहाँ पे सिंपल सा नॉट लगा दूँगी।
तो फ्रेंड्स फोर में ही सेम प्रोसेस से यहाँ पे क्रिस्टल लगाना है और यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर की बीट्स लगाने के बाद यहाँ पे जो कॉर्ड्स आया है, तो यहाँ पे मैं वन यहाँ पे कॉर्ड छोड़ दूंगी और टू जो कॉर्ड है उसको लूंगी और यहाँ पे फोर कॉर्ड से स्क्वायर नॉट लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थ्री नॉट लगेगा, वन टू और थ्री। तो यहाँ पे बीच में जो टू कॉर्ड है उसको लेके यहाँ पे नॉट लगाना है। इस तरह से और इस साइड पे भी फोर में बीच का जो टू कॉर्ड है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सेकंड लाइन करना है, तो साइड से टू कॉर्ड को छोड़ देना है और बीच का यहाँ पे यहाँ से टू और यहाँ से टू लेके बीच में क्रिस्टल लगा के फिर से यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाना है। और इसमें भी सेम प्रोसेस, बीच का जो टू कॉर्ड है उसमें क्रिस्टल लगा के यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो थ्री के बाद टू क्रिस्टल और टू के बीच में फ्रेंड्स वन क्रिस्टल लगेगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे टू टू करके फोर लेना है और बीच का जो टू है इसमें क्रिस्टल को अटैच करना है और नॉट लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये इसी तरह से ही सेम प्रोसेस से फोर में ही ऐसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ मैंने यहाँ पे सेम डिज़ाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो रेड कॉर्ड है फोर, उसमें से वन कॉर्ड लेना है और यहाँ पे से सिक्स कॉर्ड लेना है और इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग लगाना है। सिक्स कॉर्ड से वन वन करके इस तरह से पाइपिंग लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वन रेड कॉर्ड से मैंने यहाँ पे पाइपिंग किया है फोर में से, मैं और अब वन लूँगी और यहाँ पे सेम प्रोसेस से यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी सिक्स कॉर्ड से। देखिए फ्रेंड्स, टू कॉर्ड को यूज़ करके मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगाया है और ये जो टू कॉर्ड है वो मैं इस साइड से यहाँ पे सिक्स कॉर्ड से यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी। तो इस तरह से और यहाँ पे जो रेड कॉर्ड है इसी तरीके से मैं डिवाइड करके इस तरह से पाइपिंग लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, पूरे में यहाँ पे पाइपिंग करने के बाद यहाँ पे जो रेड कॉर्ड आया है इसमें मैं क्रिस्टल लगा के यहाँ पे नॉट लगा दूंगी। सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने ऊपर किया था, सेम प्रोसेस से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्रिस्टल आया था वो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब जो बीच का है उसको भी लेके नॉट लगाना है पहले की तरह ही। तो इस साइड से लेफ्ट हैंड में थ्री और राइट हैंड में थ्री लेना है कॉर्ड और यहाँ पे बीच में रहेगा सिक्स और इस तरह से पकड़ के यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो चारों तरफ ऐसे नॉट लगा देना है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से नॉट लगा के यहाँ पे जो देखिए फ्रेंड्स, टू लेना है कॉर्ड फोर में से रेड कलर का और यहाँ पे 12 में से सिक्स को डिवाइड करना है और यहाँ पे सेम प्रोसेस से इस तरह से पाइपिंग लगाना है। दोनों साइड से ही ऐसे लगाना है और ये जो टू रेड कॉर्ड है इसको लेकर इस तरह से सिक्स कॉर्ड से लेकर ऐसे बनाना है। देखिए फ्रेंड, दोनों साइड से मैंने पाइपिंग किया है। तो अब जो बीच में रेड कॉर्ड आया है उसमें मैं वन क्रिस्टल यहाँ पे बीच में डाल के यहाँ पे नॉट लगा दूंगी।
तो ये फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टू कॉर्ड है और यहाँ पे टू कॉर्ड लेके ऐसे ही सेम प्रोसेस से ऐसे बनाना है। तो 6 कॉर्ड से पहले पाइपिंग लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं और एक रिंग यहाँ पे अटैच करूँगी। तो फिर से सेम प्रोसेस है, इसको कॉर्ड्स को अंदर लेके यहाँ पे फ्रेंड्स पहले मैं जो रेड कॉर्ड्स है उनको मैं पहले अटैच करूँगी रिंग में, फिर बाद में यहाँ पे जो येलो कॉर्ड्स है उसको मैं अटैच करूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें और एक्स्ट्रा जो येलो कॉर्ड है वो अब मैं अटैच करूंगी। इसी तरीके से अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो 4 रेड कॉर्ड था वो मैंने यहाँ पे अटैच किया था। अब मैं जो येलो कॉर्ड्स है वो अब मैं अटैच करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे येलो कॉर्ड अटैच करने के बाद यहाँ पे गैप आया है ज़्यादा, तो मैं कॉर्ड्स को अटैच करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे था 12 कॉर्ड्स, मैं और 2 कॉर्ड्स 1 मीटर की यहाँ पे मैं अटैच करूँगी। 2 कॉर्ड को यहाँ पे अटैच करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जिस तरह से देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 यहाँ पे नॉट हुआ था, उसी तरह यहाँ पे अब 5 नॉट आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड को अटैच कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 हो गया है। इस कॉर्नर पे मैंने 1 किया है और इस साइड पे करूँगी 1। और फ्रेंड्स, ये 4 कॉर्ड के यहाँ पे जो बीच है उसमें मैं 1 यहाँ पे ऐड करूँगी और यहाँ पे 1 ऐड करूँगी। तो टोटल 4 आपको कॉर्ड्स जो है वो ऐड करना है, साइड पे 2 और 4 कॉर्ड के बीच में 2। तो टोटल 4 कॉर्ड अटैच करना है। और फ्रेंड्स, ये जो है वो 1 मीटर में है। तरह से अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस से ये अटैच करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे 1 एक्स्ट्रा ऐड करना है और इस कॉर्नर पे 1 और बीच में 4 कॉर्ड के डिस्टेंस पे 1 और इस साइड पे भी 4 कॉर्ड के डिस्टेंस पे 1। तो इसी तरह से 4 कॉर्ड को अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, अटैच करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स 20 येलो कॉर्ड आया है। तो 20 को या अब 5 में डिवाइड करना है 4 4 करके। तो 4 4 करके डिवाइड करके तो इसमें जो 4 कॉर्ड है लेना है और इसमें क्रिस्टल लगा के यहाँ पे नॉट लगा देना है फ्रेंड्स। तो 20 कॉर्ड है, 4 4 करके लेने से फ्रेंड्स यहाँ पे 5 क्रिस्टल आएगा और 5 नॉट आएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 5 आएगा। 4 करके लेना है और बीच में जो 2 है इसमें क्रिस्टल देके नॉट लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 क्रिस्टल आया है। तो इसके नीचे 4 4 3 2 1 ऐसे करके वी शेप में ऐसे बनाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेड कॉर्ड है उसमें भी 1 क्रिस्टल देके यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो सारे में सेम प्रोसेस से ऐसे ही करना है। तो आप कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चारों तरफ ऐसे कर लिया है। तो लास्ट में 1 आया है इस तरफ से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेड कॉर्ड है इसमें येलो कलर की मैंने बीट्स लगा के यहाँ पे नॉट लगा रही हूँ।
और फिर से सेम प्रोसेस है, ये जो टू कॉर्ड है इसको लेके इन सारे कॉर्ड्स को यहाँ पे पाइपिंग लगाना है इस साइड पे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे लगाया है, हाफ कॉर्ड्स को लेके डिवाइड करके इसमें मैंने लगाया है इस साइड पे भी। तो सब सारे में ऐसे ही करना है, वी शेप में पाइपिंग लगाना है टू टू करके लेके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद वी शेप में मैंने यहाँ पे येलो कलर का वन क्रिस्टल लगाया है। तो चारों तरफ ऐसे हो जाने के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिंग था वो अब इसमें मैं अटैच करूँगी। तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे इसको अटैच करना है। फिर से फ्रेंड्स, यहाँ पे रेड कॉर्ड्स जो है वो इस उसको मैं पहले अटैच करूँगी और येलो कॉर्ड्स को बाद में। तो इसमें एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, जो जितना कॉर्ड्स है उतना बस अटैच करना है। जिस तरह से मैंने इस स्टेप में एक्स्ट्रा कॉर्ड को अटैच किया था, इसमें कोई अटैच करना नहीं होगा, बस जितना कॉर्ड है उतना इस रिंग में फंसाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अटैच करने के बाद अब इसको येलो जो कॉर्ड है इसको मैं कट करूँगी इस शेप में, और इसमें मैं बेल्स लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे कट करना है कॉर्ड्स को। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट बेल्स लिया था वो बेल्स मैं अब लाइटर की मदद से इसमें अटैच कर दूंगी। तो टू करके कॉर्ड्स लेना है और इसके अंदर से ऐसे करके लाइटर की मदद से अटैच कर देना है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही करके आपको कंप्लीट करना है पूरा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।